हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, थप्पड़ मारा। अब जिसको मारा है उसके गाल पे तो चोट लगनी लगनी है, लेकिन आपके हाथ पे भी चोट लगती है, क्योंकि आपने जो उसको मारा वो एक्शन किया, तो उसके गाल से भी आपके हाथ पे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो आपके हाथ पे भी चोट लगती है। अब आप कहोगे सर इतनी नहीं लगती चोट, लेकिन जिसको मारा उसको तो बहुत ज़्यादा चोट लगती है। तो वो क्या है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि इक्वल फोर्स है, तो जितनी फोर्स से आपने गाल को मारा, मतलब दूसरे बंदे को मारा, उसके चिक्स या उसके गाल ने भी क्या हुआ, आपके हाथ को भी मारा उतनी ही फोर्स से, तो आपको तो कम लगी चोट लेकिन उसको ज़्यादा लगी। तो ये सिर्फ कारण क्या है कि सेंसिटिविटी जो फेस की होगी वो ज़्यादा है, तो उस वहाँ पर जो थप्पड़ लगा वो चोट जो है वो ज़्यादा महसूस देगी, ठीक है, लेकिन आपके हाथ पे इतनी नहीं देगी, क्योंकि सेंसिटिविटी कम है, तो आपके हाथ पे इतनी ज़्यादा चोट महसूस नहीं देगी, लेकिन है इक्वल फोर्स। बात हो रही है महसूस कहाँ हो रही है, गाल पे ज़्यादा महसूस हो रही है, हाथ पे कम महसूस हो रही है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल है ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का, ठीक है। अब इसमें बहुत से एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे हम वॉक कैसे करते हैं, आप वॉक कैसे करते हो बताओ, आप पुश करते हो अर्थ को, दैट इज़ अ एक्शन, ठीक है, और बदले में अर्थ आपको पुश करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ रिएक्शन। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है, क्लियर, बताओ इसमें कोई दिक्कत। देखो अब इन इंट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बी, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो इस एग्जाम्पल में हम क्या चीज़ समझ सकते हैं, जैसे दो बॉडीज ले लिया आपने ए और बी, ठीक है, ये मूव कर रही है एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऑब्वियसली बात है दोनों क्या हो जाएंगी, कोलाइड हो जाएंगी। जब ये कोलाइड हुई तो बी फोर्स करेगा ए पे, मतलब ए पे जो फोर्स लगी तो ये इधर जाएगा, ए पे फोर्स लगी बी की वजह से, और बी पर फोर्स लगी किसकी वजह से, ए की वजह से। तो लिखने का ढंग क्या है, बी पर, एफ बी, बी पर फोर्स लगी किसकी वजह से, ए की वजह से, और ये ए बी का मतलब क्या है, ए पर फोर्स लगी बी की वजह से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमने मान ली इनकी, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर होने वाला क्या है कि यहाँ पर जो एफ ए बी है वो इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा किसके, एफ बी ए के, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। यही है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। देखो यहाँ पर ये लिख रखा है, इन इंट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज फोर्स ऑन बॉडी ए, फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए। मतलब इन फोर्सेस की बात कर रहा है कि ये फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट है दिस फोर्स के, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। एग्जाम्पल में देखो जरा, जैसे मैंने अभी आपको वॉकिंग का बताया, इसमें यहाँ पर क्या बताया आपको, स्विमिंग का, ठीक है। तो वाइल स्विमिंग अ मैन पुशेज द वाटर बैकवर्ड, तो ये यानी कि जो बैकवर्ड में कर रहा है पुश वाटर को, तो वो क्या कर रहा है, एक्शन, ये किस में आ गया, एक्शन में, और इन टर्न ही इज पुश्ड फॉरवर्ड, और पुश फॉरवर्ड हो रहा है इन टर्न, मतलब वाटर उसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ कर रहा है, और वो किसकी वजह से, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन हो गया, मतलब जब आप स्विम करते हो आप वाटर को पुश करते हो, दैट इज एक्शन, और वाटर भी आपको क्या करता है, फॉरवर्ड में डायरेक्शन में पुश करता है, मतलब वो क्या हो गया, उसका रिएक्शन हो गया, कितनी बात क्लियर है या नहीं है। इस तरीके से हम स्विम कर पाते हैं, ठीक। अब मेन बात पे आ जाओ, नॉट की जो बात है वो क्या है, कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मतलब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो इसने इसको फोर्स दी एक्शन, और इसने भी इसको फोर्स दी रिएक्शन, समझ रहे हो। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ये याद रखना, एक ही बॉडी पे नहीं कभी लगता, दो डिफरेंट बॉडीज होंगी, जैसे यहाँ ए और बी थी, जैसे वॉक कर रहे हैं हम, ठीक है, वॉक करते हुए एक अर्थ है और एक आप हो, आपने अर्थ को किया एक्शन और अर्थ ने आपको किया फॉरवर्ड, दैट इज रिएक्शन, मतलब दो डिफरेंट बॉडीज हो गई, ठीक है, इस तरीके से आपने समझना है। तो एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ना कि सेम बॉडी पे कभी एक्शन रिएक्शन नहीं होता, ठीक। द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर, ये लिख लेना यहाँ पर, क्या है ये लिखा हुआ, कैन नॉट कैंसल ईच अदर। अब ये क्या मतलब हुआ, जो फोर्स है एक्शन और रिएक्शन की वो कैंसिल नहीं करते एक दूसरे को, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज पे, अब देखो ये फोर्स लग रही है इस पे और ये वाली फोर्स लग रही है इस पे, तो दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रही है, तो ये कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कोई एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो इसको इधर से फोर्स दी और इसको इधर से फोर्स दिया, ठीक है, तो ये कैंसिल हो सकती हैं क्योंकि ये एक ही बॉडी पे हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर दो डिफरेंट बॉडीज पे हैं, तो इसलिए ये कैंसिल भी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ लिख रखी है, द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं, ठीक है, सो कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, क्लियर है, इतनी बात समझ में आया है पॉइंट। अब मेन पॉइंट पे आ जाओ, थर्ड क्या कहते हैं, नो एक्शन कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा अगर वहाँ रिएक्शन ही नहीं है,
इन द एबसेंस ऑफ रिएक्शन नो एक्शन अकर, मतलब क्या कह रहा है ये, एक तरह से आप समझो जैसे आप अर्थ पे मूव करते हो, ठीक है। अब मान लो कोई स्लिपरी एरिया है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, अब वहाँ आप एक्शन करो, पुश करो उसे, तो आप क्या रिएक्शन मिलेगा आपको? आप आगे तो नहीं फॉरवर्ड हो सकते क्योंकि वहाँ रिएक्शन देने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जो रिएक्शन आपको मिल रहा था वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मिल रहा था अर्थ पे। अब हमने कहा स्मूथ एरिया है तो उसमें क्या होगा, आप फिसल के नीचे गिरोगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे आप मूव कर रहे हो, अब एक केले का छिलका आ गया तो उस पर फिसल जाते हैं ना, क्यों फिसलते हैं? बिकॉज रिएक्शन ही नहीं है, तो रिएक्शन नहीं है तो एक्शन का कोई मतलब नहीं है। चाहे आपने उसको फोर्स दी केले के छिलके पे, लेकिन आप आगे तो नहीं गए ना, आप तो फिसल के गिर गए बिकॉज रिएक्शन नहीं था। तो इन द एबसेंस ऑफ रिएक्शन नो एक्शन अकर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ये जो बात हम कर रहे थे यहाँ पर एफ ए बी इजकल टू में माइनस का एफ बी ए, ये वाली कहानी है, ठीक है। इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं, देखो कैसे, बहुत ईजी है। देखो प्रूफ में चलते हैं, देखो प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ। देखो जैसे हमने कहा दो ये बॉडीज हैं ए और बी, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है इनका मोमेंटम होगा बिकॉज इसका मास भी है और इनकी वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो एम वी, एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो इनका मोमेंटम होगा कुछ ना कुछ, ठीक। अब ये क्या हो गए, टकरा गए, मान लो ये क्या हो गए, टकरा गए, और टकराने में हम केस इसका ले रहे हैं कि ये बी और ये ए, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसमें हो गया और ये इसमें हो गया, ठीक है। देखो इनमें ये केस भी बन सकता था कि मान लो अगर ये जब टकराए तो इसकी फोर्स ज़्यादा थी, ए की ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली जब टकराएंगे ये, जब टकराए, ठीक है, बी और ए जब टकराए, तो इसमें हो सकता है ये क्या होगा, ए की डायरेक्शन में जाएं, ए की डायरेक्शन में क्या, जैसे बी को टक्कर लगी, ये आगे चला गया और ए भी इसके पीछे पीछे आ रहा है, समझ रहे हो। जैसे आप इसका एग्जांपल ये समझ सकते हो, जैसे आप ग्लास बॉल्स लो, जैसे हम कहते हैं ना वो बंटे खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, जैसे वो वाली बात कर रहे हैं अगर हम, तो उसमें देखना आप एक बॉल यहाँ रखियो, एक बॉल यहाँ रखियो, इसको फोर्स, ज़्यादा फोर्स, ये धीरे चल रही है और ये तेज़ चल रही है, तो जब ये टकराएंगे तो ये थोड़ी और आगे हो जाएगी और ये भी इसी की डायरेक्शन चलेगी, तो ये भी केस हो सकता है, ठीक है। तो मेन हम बात क्या कह रहे हैं कि भाई जब टकरा गए उसके बाद इनका मोमेंटम तो चेंज होगा ना, इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो ये दो टकराई चीज़ें आपस में आती हुई एक तरफ, ठीक है। अब मान लो आप ये भी तो कर सकते हो ना, ये वाली चीज़ इधर आ रही है, ये वाली चीज़ इधर आ रही है, ठीक है। मान लो ये धीरे चल रही है और ये बहुत तेज चल रही है, तो ये इसकी भी डायरेक्शन इधर कर देगी और अपनी भी इधर कर, इधर तो है ही है इसकी। हम बात क्या कर रहे हैं, मान लो ये स्पीड से चल रहे हैं आपकी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये टकराने के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, दोनों ऐसे गए और अपोजिट हो गए, ये भी केस हो सकता है, ठीक है ना, वो वाली की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, मास होगा इनका और वेलोसिटी होगी इनकी कुछ ना कुछ अलग, ठीक है। तो जो पहले मोमेंटम था इन दोनों का और जो अब मोमेंटम है, ये डिफरेंट होगा या नहीं होगा? जैसे ए का मोमेंटम पहले कुछ था, अब ए का मोमेंटम अलग हो गया टकराने के बाद, और बी का मोमेंटम पहले अलग था, अब टकराने के बाद अलग मोमेंटम है, ठीक है। तो जो इनका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होगा, वो मान लीजिए ए का क्या होगा, डेल्टा पी ए, ठीक है, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज के लिए डेल्टा डाला है हमने, मोमेंटम ऑफ ए, और डेल्टा पी बी क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, ठीक है। देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ए का फाइनल यहाँ बनेगा और इनिशियल ये बनेगा, तो जो भी बनेगा उसके हमने लिख दिया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और बी में भी इनिशियल ये है, फाइनल ये है इसका, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, जो भी बनेगा, हमने तो डायरेक्ट लिख दिया कि चेंज इन मोमेंटम ए का ये है और चेंज इन मोमेंटम बी ये है हमारे पास, ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतनी बात जान लो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या कहता है कि जो नेट चेंज है लीनियर मोमेंटम का पूरे सिस्टम का, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, पूरा पूरा सिस्टम का। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ए प्लस में डेल्टा पी बी क्या हो जाएगा, जीरो। ये कहाँ से आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखो ये, ठीक, प्रूफ के लिए कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से देखो डेल्टा पी ए इज इक्वल टू में माइनस में डेल्टा पी बी आ जाएगा, ये बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड, बोथ साइड बाय डेल्टा टी, ठीक है, एंड डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो कर दो इसमें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इधर कर रहा हूँ मैं ये, डेल्टा पी ए अपोन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ में डेल्टा पी बी अपोन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू क्या कर रहे हैं, जीरो, लिमिट जो कर रहे हैं हम पुट, वो क्या कर रहे हैं बताओ, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो कर रहे हैं, लिमिट, ठीक है, एल आई एम लिखा हुआ है यही मैंने, लिमिट, ठीक। तो आप खुद सोचो, आप जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि चेंज इन टाइम जो है हमारा वो बहुत थोड़ा है, क्योंकि चेंज इन टाइम हमने अप्रोक्सीमेट जीरो लिया है,
तो चेंज इन टाइम जब अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बहुत कम वाला हो जाएगा। कम वाले के लिए हम कैसे लिखते हैं, डी पी ए बाय डी टी हो जाएगा ये, और इधर भी क्या हो जाएगा, डी पी बी बाय डी टी। आपको बताया था स्मॉल चेंज के लिए डी डी लग जाता है डेल्टा की जगह, ठीक है। अब आप खुद बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं बन गया ये डी पी बाय डी टी और डी पी बाय डी टी, क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो किसके इक्वल होता है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, याद है कुछ, एफ इजिकल टू में क्या बताया था आपको, डी पी बाय डी टी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी बताई थी सेकंड लॉ में, ये तो बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो यानी कि ये किसके इक्वल है, यहाँ से फोर्स के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये एफ ए और ये क्या आ गया एफ बी, और साथ में क्या चल रहा था, ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और अब ए पे फोर्स लगी थी किसकी वजह से, बी की वजह से, तो मैं बी लिख देता हूँ, और बी पे किसकी वजह से फोर्स लगी थी, ए की वजह से, तो यही तो प्रूफ करना था हमें, बताओ आया समझ में, तो आप ये प्रूफ भी कर सकते हो इसका, बताओ क्लियर है बात। बात करते हैं आप देखो आगे नेक्स्ट हम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, तो कुछ एग्जांपल्स वैसे तो आपको पता चल ही चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनको। देखो वॉकिंग की मैंने आपको बात बता दी कि वाइल वॉकिंग अ पर्सन प्रेसेस द ग्राउंड, प्रेस करता है ग्राउंड को इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियस बात है बाय हिज फीट, फीट से, ठीक है, एंड द ग्राउंड पुशेस द पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एन इक्वल फोर्स, तो ग्राउंड भी उसे पुश करता है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो जब आपने अर्थ को पुश किया, आपने किया इस डायरेक्शन, अब आपको क्या करेगी, जो अर्थ होगी वो रिएक्शन करेगी इस तरफ, ठीक है, तभी आप फॉरवर्ड आगे मूव करते हो, ठीक है, अपने पाँव से समझो आप, यहाँ पर आपका क्या है, ये मान लो आपका क्या है, पाँव है आपका, ठीक है, तो आपने प्रेस किया अर्थ को किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक्शन हुआ और बदले में अर्थ ने भी क्या दिया आपको, रिएक्शन दिया, ठीक है। अब देखो रिएक्शन फोर्स ना इस तरीके से है, ये है रिएक्शन फोर्स जो अर्थ ने दिया, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या होगा हमारे पास वर्टिकली, हमें पता है, पता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, ये क्या बनेगा अगर ये थीटा एंगल है तो आर कोस थीटा, और ये क्या बनता है हमारे पास आर साइन थीटा, तो ये जो आर कोस थीटा जो दो कंपोनेंट हो गए ना आर के, ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये जो आर साइन थीटा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारा वेट को क्या करता है, बैलेंस करता है, क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ वैसे आपकी नॉलेज के लिए थी। स्विमिंग में हमें पता ही है, स्विमर पुशेज द वाटर बैकवर्ड, पुश किया बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड वाली कहानी क्या हुई, एक्शन, एंड द वाटर पुशेज द स्विमर फॉर्डर फॉरवर्ड, तो मतलब वाटर ने पुश किया स्विमर को कहाँ, फॉरवर्ड, तो दैट इज अ रिएक्शन, तो ये हो गई रिएक्शन, और ये क्या हुआ ऊपर बैकवर्ड में जब आपने पुश किया वाटर को, एक्शन आपने किया, वाटर ने रिएक्शन दिया, तो उसकी वजह से स्विमर स्विम करता है, तो ये एप्लीकेशंस हो गई न्यूटन के थर्ड लॉ की, एक तरह से एग्जांपल्स हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। वॉकिंग के टाइम भी बैकवर्ड वाले क्या थी, एक्शन था, और जो ग्राउंड ने पुश किया फॉरवर्ड में वो क्या था, ग्राउंड की तरफ से रिएक्शन था, ठीक है, और इक्वल फोर्स से था, ठीक है, जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उतनी फोर्स से वो आगे भी आपको फॉरवर्ड कर रहा है, क्लियर है। अब आ जाओ इस कहानी पे, बुक ऑन बुक कैप्ट ऑन अ टेबल, बुक को टेबल पे रखा हुआ, देखो जैसे ये एक क्या है टेबल है, ठीक है, इस पे इस बुक को रखा हुआ है, ये बुक को, ठीक। अब ऑब्वियस ही बात है ये बुक एक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर, इसकी वेट की वजह से इस पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है इस पे टेबल पे, ठीक है, और टेबल बदले में क्या कर रही है, रिएक्शन दे रही है इसको, रिएक्शन दे रही है, समझ रहे हो या नहीं, बुक यहाँ इसके ऊपर रखी हुई है तो एक फोर्स लग रही है जो कि इसके वेट की वजह से है, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड होगी, और बदले में टेबल भी इसको क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, ठीक है। अब ये जो बुक है ये है किस पे, रेस्ट पे है, ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो W है वो क्या है हमारी, माइनस ऑफ R है, ठीक है ना, ये वाली फोर्स जो है, वेट भी क्या है, एक फोर्स ही तो होता है, याद है कि नहीं, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, मास वाला ना समझाना कि केजी होता है वेट, तो ये चीज़ आपको पता है, मास और वेट की कहानी, ठीक है ना, मास केजी में होता है, वेट हमेशा न्यूटन में, तो वेट एक फोर्स है, हम जो बोलते हैं ना डेली लाइफ में कि वेट कितना है, वेट कितना है, 100 kg है, ये हुआ है, ये सब गलत है, वो मास एक्चुअली में ना कि वेट है, वेट हमेशा न्यूटन में होता है, समझ रहे हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं ये, ठीक है। अब ये बोर्ड, ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये जो बुक है ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे मतलब क्या हुआ इसका, कि जितनी फोर्स इसने इसको दी उतनी ये इसको दे रहा है, टेबल दे रहा है, तभी ये क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रही है यहाँ पर, जीरो, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। लेकिन ये एक चीज़ याद रखना है, इसमें ये कैंसिल कुछ नहीं कर रही है, पहली बात ये कैंसिल क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि बुक पे लग रही है जो रिएक्शन, और बुक टेबल पे क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, बुक ने टेबल पे किया एक्शन तो टेबल ने किया बुक पे रिएक्शन। अगर मान लीजिए एक सिंपल बुक ये वाली हम बात करें और इस पे इधर से फोर्स लग रही है, एक इधर से फोर्स लग रही है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो सकती है बिकॉज ये ओनली बुक पे है, यहाँ हम कैंसिल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि एक एक्शन हो रहा है टेबल पे और टेबल जो है रिएक्शन दे रहा है किस पे,
बुक पे, अलग अलग दो चीज़ें हैं तो ये कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है। हम नेट फोर्स बोल सकते हैं कि वो क्या है, जीरो, इसकी वजह से ये रेस्ट पे है, ठीक है। यही सब बातें यहाँ लिख रखी हैं। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एक्सर्ट अ फोर्स, एक्सर्ट मतलब क्या है कि बुक लगा रही है फोर्स किस पर, टेबल पर, एक्सर्ट मतलब लगाना। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द टेबल, ठीक है। जो बुक पड़ी हुई है टेबल पर वो फोर्स लगा रही है किस पर, टेबल पर, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक, ऑब्वियसली बात है वेट के इक्वल ही फोर्स लगा रही है वो जो एक्शन कर रही है इस पर, ठीक है। एंड दिस फोर्स, अब इस चीज़ को क्यों कहा, क्योंकि जितना भी वेट होगा उतनी ही फोर्स लगेगी, ठीक है, और उतनी ही रिएक्शन होगी, समझ रहे हो। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर रिएक्शन, ये कैसा है, एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल का मतलब क्या, अगर जितना आप एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन बढ़ जाएगा, डिपेंड करेगा आप कितना वेट दे रहे हो, यानी कि अगर हम यहाँ इस बुक की बात करें, जितनी भारी बुक होगी उतना ही रिएक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि जितना वेट उतना रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यानी कि क्या, एडजस्टेबल है, क्लियर है इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो हम कहाँ थे यहाँ पर कि विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक एंड दिस फोर्स ऑफ एक्शन, ये क्या कहेंगे हम, फोर्स ऑफ एक्शन है। एंड द टेबल सपोर्ट द बुक बाई एक्सर्टिंग, अब टेबल भी एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, इक्वल फोर्स ऑन द बुक, एंड दिस फोर्स इज रिएक्शन, ठीक है। तो टेबल भी सपोर्ट कर रहा है बुक को, ठीक है, तो ये कैसे कर रहा है, उसने भी एक्सर्ट करी हुई है फोर्स एक बुक पर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन, ठीक है। सिंस बुक इज एट रेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया, सो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि अगर बुक रेस्ट पे है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो है, तो वो जीरो कैसे हुई होगी, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो दिस इंप्लाइज दैट द नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी, नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये परपेंडिकुलर रिएक्शन हो रहा है, जो मस्ट बी इक्वल टू द अपोजिट, मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द बुक, ठीक है, बात इतनी क्लियर है। अब फायरिंग फ्रॉम अ गन भी एक एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ का, कैसे, जब गन से फायर की बुलेट, ठीक है, तो बुलेट पे क्या हुआ, एक्शन, बुलेट पे क्या हुआ, एक्शन, यही चीज़ लिखी हुई है, देखो, व्हेन फायरिंग फ्रॉम अ गन द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, एक्शन हुआ, एंड द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड, और गन कहाँ आती है, बैकवर्ड पोजीशन में आती है, वो क्या है उसका, रिएक्शन है, और दोनों अलग अलग उस पर हो रही है, बुलेट पे एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन किस पे हो रहा है, गन पे हो रहा है, समझ रहे हो। ये चीज़ आपने देखी होगी, जब भी वो फायर करते हैं तो अपने शोल्डर पे लगाते हैं, बड़ी बड़ी जो बंदूकें होती हैं वो, वहाँ से अगर एग्जांपल आप देखो, ठीक है, तो वो क्या है कि बुलेट जब आगे जाएगी तो वो एक्शन हुआ तो वो रिएक्शन भी होगा, किस पे होगा, गन पे होगा, तो गन पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है ना बात। जैसे आपने पिस्टल्स भी देखे होंगे, वो दोनों हाथों से पकड़ के चलाते हैं, वो क्यों चलाते हैं कि वो जो बैकवर्ड आएगा उसको बैलेंस हो सके, ठीक है ना, क्योंकि बुलेट जा रही है, कि एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा, गन पीछे भी आएगी, बात समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे वो इतनी तो नहीं आती जितनी बुलेट जाती है, तो वो मास का फर्क आ जाता है वहाँ पे, ठीक है, उसका मोमेंटम इतना नहीं हो पाता, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, कोई परेशानी। अब कहोगे नहीं, कहीं तो एक हाथ से भी चलाते हुए दिखते हैं, ठीक है, वो जो एक हाथ से चलाते हुए दिखाई देते हैं आपको, यानी कि वो इतनी फोर्स अपने हाथ में रख रहे हैं कि वो उसको क्या कर सकें, गन को क्या कर सकें, बिल्कुल स्टेबल रख सकें, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर डिपेंड करेगा। बात करते हैं आगे, फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड द रॉकेट्स, तो फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स या रॉकेट्स आपने देखे होंगे, रॉकेट्स कैसे जाते हैं, देखो आपने इस तरीके से देखा होगा, रॉकेट ऊपर की तरफ जाते हैं तो पीछे से क्या निकलती हैं, ये गैसेस निकलती हैं, ठीक है, तो ये गैसेस बैकवर्ड में जा रही हैं, एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ये फॉरवर्ड जाएगा, देखो ना, ये जो रॉकेट है ये एक्शन क्या कर रहा है, इन गैसेस को क्या कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकाल रहा है, ठीक है, निकाल रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस ही बात है जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में निकाल रहा है तो एक रिएक्शन भी तो होगा इसमें, रिएक्शन क्या होगा, ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ये एक्शन और रिएक्शन क्या है, ये ऊपर की तरफ जाता है, समझ रहे हो बात इतनी है नहीं, तो आपने देखा ही होगा लार्ज जो हम कहते हैं ना हॉट और जो कंप्रेसिबल गैसेज होती हैं वो बाहर निकलती हैं रॉकेट से, ठीक है, दैट इज़ एक्शन, और जो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो वो क्या है हमारा, रिएक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ लिख रखी है, द गैसेज एस्केप्स थ्रू द नोजल, नोजल वो जो उसके अंदर जो हॉल्स होते हैं उनमें से निकलती है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड द एस्केपिंग गैसेज, जो एस्केपिंग गैसेज हैं वो पुश करती हैं जेट प्लेन को या रॉकेट को फॉरवर्ड में विद द सेम फोर्स, कितनी बात क्लियर है। तो ये था हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है जी, तो ये सब बातें थियोरेटिकल थी तो आपको ये समझ में आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, तो इसको अच्छे से कर लो आप तब तक, क्लियर, ओके, थैंक यू।